से एक हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है लड्डू, तिल और अलसी के लड्डू। तो आज हम बनाने वाले हैं तिल और अलसी के लड्डू, और ये आज बनाएंगी मेरी बुआ जी, जिनको मैं बीवी बोलती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लड्डू बनाती हैं अलसी के। और अलसी के तो आप बेनिफिट सकते हैं कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे सीरियसली। मतलब जो जॉइंट्स पेन है वो भी इसको खा सकते हैं, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो भी इसको खा सकते हैं। मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन अगर आप चाहो तो उसको गूगल करके देखो, आपको लंबी चौड़ी एक लिस्ट निकल करके हेल्दी, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो ठीक है, मुझे इतना पता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं बेनिफिट्स के। और अलसी को पता क्या होता है, अगर आप इसको रोस्ट करके भी रख लोगे ना, सिंपल रोस्ट कर लो और इसको पाउडर बना लो या ऐसे खाओ, मुझे ऐसे अच्छी लगती है दूध के साथ रात में, मॉर्निंग में, या फिर पानी के साथ, तो ये बहुत अच्छी होती है मतलब बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बहुत सही चीज़ है। और ये ठीक है, तो आप अलसी के लड्डू बनाने वाले हैं, जिसमें हम तिल और अलसी मेन हमारा रहेगा, ठीक है। तो तिल मकर संक्रांति है आज, एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। अलसी को फ्लैक्सी भी बोलते हैं, ये हाई है ओमेगा 3 फैट्स में, और प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, इसलिए बीपी को कंट्रोल रखती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है, आपका वेट भी कंट्रोल करती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जॉइंट्स पेन में आपको रिलीफ देती है, तो मतलब इसके बहुत बेनिफिट्स है कि काउंट करना मुश्किल है। तो डाइट्री फाइबर है ना, फाइबर से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, तो इसलिए परिक्रमा करूँगी। तो आप लोग एक बार बनाओ, आप लड्डू भी बना के खा सकते हो इनके, अगर आपको लड्डू नहीं खाने हैं तो अगर आप थोड़ा मीठा अवॉइड कर दो, बट गुड़ की लड्डू तो ऑब्वियसली हेल्दी भी होते हैं, ठीक है, वो बहुत बहुत हेल्दी होते हैं। मैंने शुगर अवॉइड करती हूँ, मैं जैगरी ही लेती हूँ, जैगरी पाउडर जो आता है उसी की चाय वगैरह में उसी की जगह करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मुझे लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन अगर इनके केस आपको नहीं पसंद है, तो आपको आप उसको अलसी को ना नॉर्मल उसको रोस्ट करके, ठीक है, एक रख लो, आप उसको ऐसे भी खा सकते हो, उसका पाउडर बना कर रख लो, उसको पाउडर फॉर्म में भी आप खा सकते हो, उसको दूध के साथ या पानी के जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, इसका फ्लैक्स सीड हेल्थ के लिए बहुत बहुत सही रहता है, तो आपको उसे यूज़ करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। लड्डू गुड़ के साथ, जो कि जॉइंट पेन्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और मकर संक्रांति है तो ऑब्वियसली तिल तो होता ही है, आज के दिन खाना चाहिए, अच्छा होता है। तो अभी ये रेसिपी बताएंगे मेरी बुआ जी, जिनको मैं बीबी बोलती हूँ। तो पहले हम चेक करते हैं कि वो क्या क्या डालने वाले हैं आज, क्या बोलते हैं उसको, अलसी। अलसी हमारे पास थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट, और ये है गुड़। गुड़ आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और ये है अलसी जो हमने ली है, ये पहले से ही रोस्टेड है, तो हम इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तिल हमें रोस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास रखे भी हैं थोड़े से, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तिल रोस्ट करेंगे, और गुड़ का ये है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, आप और ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हम इसमें तिल अपने रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तिल हमें कब तक रोस्ट करने हैं, जब तक वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाते, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी आई थिंक ग्राइंडेड पाउडर रखा हुआ है तिल का, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे अलसी। अब हमें अलसी हमारी ऑलरेडी रोस्टेड थी, तो इसलिए हम अलसी को ज़्यादा रोस्ट नहीं करने वाले हैं, थोड़ा ही रोस्ट करेंगे। तो बस जब अलसी में से चट चट की आवाज़ आने लगे, तो इसका मतलब है हमारी अलसी हो गई है। और हाँ, मैं इसमें देसी घी ऐड करना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो यस, इसमें देसी घी भी पड़ेगा, वो आई थिंक 100 ग्राम के अराउंड हमने लिया है। अब हम गैस टर्न ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे गैस पर, डालेंगे गुड़। सबसे पहले हम गुड़ डालेंगे उसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है। और गुड़ के साथ जो मैंने इसके पीसेस ले लिए हमने, इसमें हम आधा ग्लास पानी भी ऐड करेंगे। अब हम इसको मेल्ट होने देंगे, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हमें चेक करना होगा कि चाशनी बनी कि नहीं बनी, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले इसको अच्छे से ये मेल्ट हो जाए, ठीक है। हम इसको थोड़ा पकाएंगे, आई थिंक 5 से 10 मिनट तक हमें इसको रखना होगा गैस के ऊपर, गैस पर, ठीक है। उसके बाद हम देखो उसे ऐसे चेक करेंगे, हम थोड़ा सा लेंगे इसमें से प्लेट में, और हम दोनों फिंगर के बीच में इसको ऐसे करके इसको देखेंगे कि इसमें तार बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इसमें तार बन रहा है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी। और ये देखिए इसमें तार बन रहा है, इसका मतलब है हमारी चाशनी रेडी हो गई है, और हम गैस जल्दी से हमें बनाना पड़ेगा, ताकि गुड़ ठंडा ना हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें डालने वाले हैं अलसी और ड्राई फ्रूट्स पाउडर, ठीक है। ये दोनों हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको।
अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, ये हमने ऐड कर दिया है देसी घी, और हम इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और अभी हमारा मिक्स हो चुका है और ये ठंडा नहीं हो जाए, इसलिए हमें जल्दी से इसके लड्डू बनाने होंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें पानी भी चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम हाथों को अपने वेट करके गीला करके लड्डू बनाएंगे तो वो हाथ पर चिपकते नहीं है, उनकी शेप बहुत अच्छी आती है, गोल गोल, है ना। तो हम ऐसे करके बना लेंगे। ये बन गए हमारे लड्डू, अपलोड करूँ अपडेट।